तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक मोदी व्लॉग पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोलर पे जॉब कैसे रहता है, सोलर रूफटॉप, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने सोलर के बारे में सुना होगा, जिससे हम सन की रोशनी से जो है एनर्जी जनरेट करते हैं और वो जो है हम यूज़ करते हैं पीवी मॉड्यूल की तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों, इसी में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सोलर इंडस्ट्री में जॉब कैसे ले, एज अ हेल्पर, एज अ टेक्नीशियन। तो दोस्तों, इसमें काम क्या होता है, अगर आप एक आईटीआई इलेक्ट्रिशियन हो या फिर जो है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, तो दोस्तों आपको जो है इसमें वैकेंसी कैसे मिलेगी एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वालों को तो पता है दोस्तों, पर फ्रेशर वालों को मैं बता दूँ कि सोलर रूफटॉप पे काम कैसा होता है, आप लोगों को क्या करना पड़ता है एक्चुअली उसमें, और सोलर मॉड्यूल की क्लीनिंग किस तरह से हुई जाती है, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो है सोलर मॉड्यूल दिख रहे होंगे, ये जो है मैं जो हूँ फिलहाल यहाँ पे जो है क्लीनिंग एक्टिविटी करने के लिए आया हुआ हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रूफटॉप साइड है, या आप देख सकते हो रूफटॉप यानी जो है ग्राउंड पे वगैरह नहीं रहता, ज़मीन पे नहीं रहता, जो जिसे हम छत पे लगाते हैं उसको जो है रूफटॉप कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो रूफटॉप मॉड्यूल है, और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, तो ये रूफटॉप पे हमको जो है प्रिकॉशन और सब सुविधा वगैरह जो है आराम से लेना पड़ता है, काम जो है सुविधा से जो है और सुरक्षित करना पड़ता है। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो है तो ये जो है ये स्काई शीट है, और यहाँ पे जो है दोस्तों अगर हम गलती से पैर रखते हैं तो हम नीचे चले जाते हैं, और हमको जो है रूफटॉप एरिया पे ये जो सीधे में इसमें जो वॉकवे दिख रहे हैं दोस्तों, इसी पे चलना रहता है। और गलती से भी ऐसे जो ये हर जगह पे लगाए जाते हैं, इसको जो है स्काईलाइट बोलते हैं, और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब धूप आती है तो इसके अंदर से सीधे से जो है सूरज की जो धूप है वो सीधी नीचे जाती है, जिससे हमें दिन में भी जो है लाइट की कमतरता नहीं पड़ती है, यहाँ से ही जो है सूरज की धूप सीधी अंदर चली जाती है। और ये इतना पतला और हल्का क्वालिटी का रहता है कि अगर हम इसके ऊपर चढ़ जाए या इसके ऊपर एक पैर भी रख दे तो ये अंदर चला जाए, इसलिए जो है रूफटॉप पे काम करते समय हमको बिल्कुल भी जो है ऐसे स्काई शीट एरिया पे जो है पैर नहीं रखना है। और दूसरा जो है आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप ये जो देख रहे हो ये गोल गोल घूमने वाले, इसको टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों, इसके आसपास भी नहीं रहना है, क्योंकि इसके आसपास इसको इंस्टॉल करने के जगह पे वहाँ पे भी जो है छोटे छोटे जो है स्काई शीट एरिया टाइप मटेरियल रहता है, जिस पे अगर हम पैर रखते हैं तो नीचे चले जाते हैं। तो हमको जो है रूफटॉप में काम करते समय ओनली एंड ओनली वॉकवे फॉलो करना है, और वॉकवे पे ही काम करना है। और दूसरी बात, हमको जो है ऐसे सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है, सेफ्टी बेल्ट पहन के ये जो है इसको एंकरिंग करना पड़ता है। ये जो है स्पेशल ये लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन के जो है उसमें ये हमारे एंकरिंग जो है सेफ्टी बेल्ट की ये लगा के जो हमको एंकरिंग करते जाना है स्नैप हुक लगा के। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से काम रहता है, और मैं आप लोगों को बता दूँ ये हमारी टीम है जो क्लीनिंग कर रही है। और ताकि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो है अभी फ़िलहाल पानी बहुत है, इसलिए जो है हम वाटर क्लीनिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ड्राई क्लीनिंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से काम है। तो अगर आप आईटीआई पे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप टेक्नीशियन करके लगते हो सोलर में, तो आप लोगों को जो है ऐसे इन्वर्टर और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और जो इन्वर्टर ECD भी एरिया रहता है वहाँ पे जो है आपको उसका प्रॉपर क्रिएटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। और आप लोगों को बता दूँ कि अगर इसमें जो बहुत सारे फॉल्ट रहते हैं, जैसे स्प्रिंग फॉल्ट,
और इन्वर्टर का जो इन्वर्टर फॉल्ट आता है, और कभी कभी ज़्यादा हीटिंग या ओवर हीटिंग से जो है यहाँ पे लीकेज करंट भी आ जाता है, और जो है कभी कभी ACDB वगैरह इन्वर्टर वगैरह ट्रिप हो जाता है। तो इसको जो है अच्छे से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और इसका जो है टाइटनेस करते रहना पड़ता है, और जो है इसका आप लोगों को जो है इसके बारे में भी ज्ञान आना चाहिए या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको जो है सोलर में जो है एज अ टेक्नीशियन करके जॉब मिल सकती है दोस्तों। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर में जो है जॉब कैसे मिलती है, वैकेंसी कैसे रहती है और वहाँ पे सैलरी कितनी होती है, और सोलर का जो है करियर आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है बढ़ती एनर्जी के जो है इलेक्ट्रिसिटी बल्ब उसकी जो है नीड है अभी, इसलिए जो है वहाँ पे जो है हर जगह पे जो है सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि जो है यूथ की जो एनर्जी है जो कि कंपनी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर जगह पे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे जहाँ पे जो है कुछ काम नहीं रहता उसी जगह पे जो है बहुत सारे लोग कभी कभी जो है लाइट फैन और वो सब जो है स्विच ऑफ करने के बजाय ऐसे ही चालू करके चले जाते हैं, और अभी जो है पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी जो है डिमांड बढ़ रही है, इसलिए जो है सोलर पैनल का यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, ताकि जो है हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है नीड जो है हम फुलफिल कर सके। तो दोस्तों सोलर में जो है जॉब कैसे मिलती है हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे अगर आप ITI पास हो तो ITI पास पे जो है आप अगर फ्रेशर हो तो आपको जो है करीब 10,000 से 15,000 के बीच में जो है एज अ हेल्पर या फिर एज अ टेक्नीशियन करके सैलरी मिलती है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको अगर एक साल का एक्सपीरियंस है ITI के बाद अगर सोलर फील्ड में आप काम कर चुके हो तो भाई आप लोगों को जो है 15,000 से 20,000 के बीच में जो है सैलरी दे सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप जो है क्लाइंट को कैसे जो है हैंडल करते हो और पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे देखते हो। तो दोस्तों और अब आप लोगों को सोच में हुआ कि सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, जॉब कैसे लेते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने पूरे दिखा दिया, अब आपको है कि जॉब सर्च कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे इसलिए जो है सबसे अच्छा और इजी तरीका है कि आप लोगों को जो है LinkedIn ऐप यूज़ करना है। LinkedIn पे जो है आप जब उसको देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे पूरी अपने पूरे भारत में जो है सोलर की इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो है बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो है एडवर्टाइजमेंट डालती रहती है, और बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं कि इस कंपनी में इतनी जगह निकली है, वैकेंसी निकली है टेक्नीशियन की, हेल्पर की और इंजीनियर की। तो आप लोगों को वो बस देखते रहना है, वहीं से जो है आप लोगों को एक मेल दिया जाएगा, उस मेल पे जो है आप लोगों को अपना रिज्यूम सेंड करना है, वो आपको फ़ोन करेंगे और अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो वो आपको जॉब पे ले लेंगे। तो बस दोस्तों यही जो है थोड़ी सी आसान और इजी ट्रिक है, अगर आप सोलर में जॉब पाना चाहते हो, सोलर में करियर बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा देना। ऐसे ही सोलर रिलेटेड और डेली ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो वो वीडियो देखने के लिए, मेरे लाइव देखने के लिए, मैं मेरी नज़रों से जो है दुनिया कैसे वो दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।